हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब अकाउंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप वॉलरेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीधे अपने क्रोम ब्राउजर में जाके वॉलरेंट सर्च करना होगा। यहाँ पे आ जाएगा। वॉलरेंट सर्च करने के बाद यहाँ पे जो पहला लिंक आपको आएगा प्ले वॉलरेंट डॉट कॉम, इसको आप क्लिक करिएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये राइट साइड में ऊपर प्ले नाउ का बटन आ रहा है। इसके साथ साथ आप इसको पूरा स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप जब प्ले नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा कि साइन इन करना है कि आपको नया अकाउंट बनाना है। इसके लिए आप मेक वन पे क्लिक करिएगा। मेक वन पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा, आपको यहाँ पे फेसबुक, गूगल और एप्पल आईडी से लॉग इन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ अपना क्रोम यानी जीमेल सेलेक्ट करिएगा, जैसे गूगल से। तो हम यहाँ पे जी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी अपना जीमेल अकाउंट इनपुट कर सकते हैं, आपके पास अगर मल्टीपल है तो। तो जैसे हम यहाँ पे प्रिंस गेमर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये आपको जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करने को बोल देगा, तो आप इसे डाउनलोड करिएगा। अब ये मेरे में पहले से डाउनलोड है तो इसलिए ये आ रहा है, तो हम इसको फिर से डुप्लीकेट करके डाउनलोड करते हैं। इसका जो फाइल है वो आपको 65 MB का मिलेगा। फर्स्ट आपको 65 MB डाउनलोड करना होगा, सेटअप फाइल जो होती है। इसके बाद आप इस पे, ये जब आपका डाउनलोड हो जाएगा इस पे आप ओपन, जब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा तब आप सिंपली ओपन पे क्लिक करिएगा। जैसा हम ये ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉल होने के लिए आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ चुका है, हम इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे इंस्टॉल करने को आएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे इंस्टॉल के नीचे लिखा है 16.0 GB, तो ये डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद 16 GB का होगा, लेकिन जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वो केवल 7 ही GB गेम डाउनलोड करना होगा। ठीक, ये आपका डाउनलोड होने के बाद 16 GB है। आप अगर आपको अपना लोकेशन चेंज करना है तो आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोकेशन अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। हालांकि ये मेरे से पहले से सेट है, तो हम इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। अब ये सारी फाइल रिपेयरिंग होके डाउनलोड होने लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिपेयर होने के बाद ये आपका पूरा ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ये 7.8 GB डाउनलोड होगा। इसके होने के बाद आपको अपने आईडी से लॉगिन करना है। हालांकि ये वाली जो आईडी है मेरी पुरानी है, इसको डाउनलोड करते समय हमने डाला था, तो इसको हम लॉग आउट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकता हम इसे साइन आउट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम फिर से गूगल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप जिस ईमेल आईडी से बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे ये आपका पॉपअप आ जाएगा। हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अब इसके बाद ये नीचे से हमको ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो टर्म एंड कंडीशन आ गया, तो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसी दौरान दोस्तों आपका इसमें डेट ऑफ बर्थ भी पूछेगा, आप इसमें इनपुट कर दीजिएगा। हालांकि अब हैं यहाँ पे जो आपका यूजर नेम आ रहा है वो न्यू प्लेयर करके आ रहा है। आप इसे गेम जब आप ओपन करेंगे तो उस दौरान भी इसे चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके एडिट माय अकाउंट पे क्लिक करके भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको फिर से गूगल से लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जब लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे ये अकाउंट आपका खुल गया। यहाँ पे आप जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे करेंगे, यहाँ पे जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड है वो आपका फिलअप नहीं है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हालांकि हम इसको गेम में ही सेटिंग करेंगे। यहाँ पे जैसे हम गेम अपना ओपन किए हैं तो ये आपका डिस्प्ले नेम पूछने लगा, यानी यूजर नेम। तो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डाल दीजिए। तो यूजर नेम डालने के बाद ये आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पीसी में
वॉलोरेंट डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अब इसके गेम प्ले के बारे में हम आगे बात करते हैं। ये आपका ट्रेनिंग मोड है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या तो फिर आप पूरा करके बाहर निकलिए जैसे हमने ये पूरा किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जब शेयर करेंगे तब भी आपके दोस्त इसे डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप खेल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। This base is still getting cleaned up. Jump and crawl your way to that gun over there. Out of charges. Now shoot that flying target for me. Accuracy is everything, so remember to stop before you fire. Try it on these bots, then grab the rifle.